फ्रेंड्स, मेरा दोस्त सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज आप लोगों को नेवी पैटर्न का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्रश्न हल करेंगे। आईटीआई फर्स्ट ईयर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। आइए, आज हम प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? लेकिन इकाई होती क्या है? इकाई के विषय में यदि नहीं जानते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे? इकाई की डिफिनेशन क्या होती है? पहले इकाई को समझें। किसी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए माना गया मानक उसकी इकाई कहलाती है। इकाई क्या कहलाती? इकाई का डिफिनेशन क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने तौलने के लिए माना गया मानक उसकी इकाई कहलाती है। तो इकाई कहलाती, तो इकाई किस में आता है? सिर्फ इसका मापक नापने के लिए ब्रिटिश और मैट्रिक में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट यानी ए सही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय, द्रव्यमान और लंबाई, देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय किसमें है? क्वेश्चन नंबर दो के आंसर हैं बी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। प्रश्न नंबर तीन, यम के एस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? यम क्या दर्शाता है, के क्या दर्शाता है और यस क्या दर्शाता है? सिर्फ हमें यम का बताना है। कहीं कहीं एस का भी पूछ सकता है, यम का भी पूछ सकता है। यम मीटर होता है, के किलो होता है, यस सेकेंड होता है। तो हमें पूछा क्या है? यम। तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? बी। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बी, मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर है। ख्याल कीजिए इसको। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है बी, 25.4 mm। हाँ मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। आपने आईटीआई में फर्स्ट पेपर में ये देखे होंगे एलसीएम। किसी किसी बच्चों का एलसीएम आता नहीं है, लेकिन एलसीएम होता क्या है? एलसीएम निकालने का सहज तरीका देखिए, LCM, लघुत्तम समापवर्तक, राइट? तो निकालने का तरीका है कि देखिए, दिया है 12, 18, 6, 36, देख रहे हैं? बस निकालने का तरीका जैसे जैसे आपने कक्षा 2 में 1 में पढ़ा है वैसे करते जाइए। देखिए 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, राइट? कट रहा है ना? मैं दो का सिर्फ पहाड़े में सबको कटाए रहा हूँ, फिर अब देखते हैं किससे कटने वाला है। फिर कटाइए, दो से देखिए कटेगा, फिर देखिए कट रहा है, देखिए 2 3 जा 6, फिर 9 2 के टेबल में नहीं आएगा तो लिख देंगे इसी तरह से, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 भी लिख लेंगे, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा, राइट? फिर हम अब देखते हैं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर आते हैं 3 से, देखिए 3,
थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं टू से कटेगा नहीं, फिर थ्री से ही कटेगा, वन का वन छोड़ देंगे, थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, फिर थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, देखें थ्री वन जा थ्री, राइट। जब वन आ जाता है इसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए, वन से ऊपर नहीं ले जाना है, राइट। अब क्या करना है सबको, टू देख रहे हैं, फिर टू, फिर मल्टीप्लाई थ्री, फिर मल्टीप्लाई थ्री, राइट। सबका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए दो दुनी के चार, चार तिहाई के बारह, बारह तिहाई के छत्तीस, कितना होता है छत्तीस यानी थर्टी सिक्स। दो दुनी के चार, चार तिहाई के बारह, बारह तिहाई के छत्तीस, देखिए इस पर आ जाइए, इस पर आइए, देखिए दो दुनी के चार, चार तिहाई के बारह, बारह तिहाई के छत्तीस, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएंगे थर्टी सिक्स। इस प्रश्न का आंसर होगा सी। हाँ मेरे दोस्तों, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छः, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर देखिए, ध्यान रखिए, देखते हैं। अब दिया, पहले ऊपर दिया था एलसीएम, ऊपर दिया था आपका एलसीएम, राइट। लेकिन अब दे दिया है एचसीएफ, पहला दिया था लघुत्तम समापवर्तक, अब लेकिन एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम क्या होता है, लघुत्तम निकालने का तरीका आपको बताया अगले सवाल में, दूसरा सवाल में आ गया एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, उसको निकालने का तरीका देखिए। ये तो फैक्टर विधि हो गई थी, गुणनखंड विधि, इसको निकालने का तरीका देखिए, अठारह दिया हुआ, फिर ऊपर खींच लेंगे, फिर बयालीस, राइट, फिर चौबीस, देख रहे हैं, फिर हम इसका खंड करेंगे, इतना छोटा छोटा करेंगे कि सब में वो खंड होता रहे। देखिए खंड, देखिए खंड करिए, पहले दो तिहाई के छः, तिरी के अठारह, देख रहे हैं ना, दो तिहाई के छः, दो से कटाइए, दो तिहाई के छः, तिरी अठारह, राइट, दो से स्टार्ट किया हूँ। फिर अब बयालीस का इसी तरह से कटाइए, बयालीस का कैसे कटेगा सोचिए, बयालीस से कैसे कटेगा, दो तिहाई के छः, साते बयालीस होता है ना, दो तिहाई के छः, साते बयालीस, राइट। फिर आगे देखते हैं, अब चौबीस को कैसे कटाएंगे, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ तिरी के चौबीस, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ तिरी के चौबीस, राइट। अब देख लीजिए आराम से, पहले देखिए इसको, फिर हम क्या करते हैं, फिर अब सब में मिलाते हैं कि कौन लड़ रहा है, कौन सिर्फ एक में आ रहा है। देखिए ये एक साइड में, फिर इसमें ये मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका ये टू और ये थ्री, सिर्फ यही मिल रहा है ना, तीनों में आनी चाहिए वो अक्षर, वो जो हमारे अंक है तीनों में आनी चाहिए। इसे इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, राइट, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, फिर इसमें तीन है तो सिर्फ इसमें तीन नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर ये सेवन है तो इसमें सेवन नहीं है, तो अब सिर्फ हमें टू और थ्री मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ हो जाएगी दो तिहाई के छः। बस क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है बी। कितना आसान है, लगाने की तरीका यही है, छोटा से नियम, छोटा छोटा नियम से हम सवाल को हल कर सकते हैं। हाँ हेलो, हेलो फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ रहे हैं ना, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपकी सिर पे है, इतनी आसानी से आंसर बताया जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ लेंगे तो सारी की सारी क्वेश्चन इसमें मिलेगी। फिर आगे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, दिए गए मसरत दिया है ना, लेकिन मसरत नहीं है, मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित भिन्न में, अनुचित नहीं लिखा, अनुचित है, छापने में गड़बड़ हो गया है, अनुचित भिन्न कौन सी है। लेकिन पहले मिश्रित होती क्या है, इसको पहले पकड़िए कि अनुचित होती क्या है, अनुचित क्या है, अनुचित का मतलब हुआ विषम, अनुचित का मतलब हो गया विषम। अब विषम की परिभाषा, अनुचित की परिभाषा
डिफिनेशन समझेंगे तभी उसको लगा पाएंगे। पहले समझिए, देखिए अब क्या है, वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा हो। अंश का मान, अंश क्या होता है, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, राइट। तो क्या कह रहा है, वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बराबर हो, यानी हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। देखिए अब आप लोग मिलिए, इसमें कौन सा है, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं इसमें क्या है। देखिए सवाल क्या दे रखा, 7 होल 3/7 यानी 7 सही 3/7। इसको हम कैसे हल करते हैं, 7 में इसका देखिए अंश में और सही में गुणा करते हैं, 7 सती 49 में 3 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 49 में 3 जोड़िए, 49 और 1 50 51 52। देखिए इसका कितना हो गया, 52/7, 52/7 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर कौन मिल रहा है, 52/7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, देखिए ए। आइए आईटीआई में देखिए, आईटीआई में देखिए आए फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होती है, इसी तरह से ठीक पेपर आएंगे, पेपर सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, दिया देखिए दिया क्या दिया है, 0.00006 5 9, राइट दे रखा। अब आदमी ये कहेगा कि लड़के ये हमारे दोस्त लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे इतने को हम बदलेंगे, कुछ नहीं करना है साधारण भिन्न में, बस क्या करना है हमें, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, ये सीधे के सीधे क्या हो गया, 6 5 9, राइट, नीचे खींच दिए बटा हो गया। अब यहाँ है इसके जगह पे 1 कर देंगे, देख लीजिए इसके से पर दशमलव के पहले दशमलव से पूर्व में 1 लिख देंगे और इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मिला लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। हाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 100% इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, 100% इसी में से मिलेंगे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए, सरल कीजिए यानी जोड़, देखिए दे रखा है कितना, 3/4 ÷ 5 = 5/20, राइट हो गया। अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे, अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, दोनों क्योंकि जोड़ और घटाना दोनों एक ही में दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले भैया हम कुछ नहीं करेंगे, राइट, पहले हम इसका पूरे का क्या लेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, तो ऊपर अंश है और नीचे हर है, तो हम हर का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने का तरीका हम आपको बताया, आगे वाले क्वेश्चन मैंने बताया, 4 5 2 0 = 20। अब इसमें हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए अब 2 से कटा रहे हैं, देखिए 2 2 = 4, 2 से तो 5 जाएगा नहीं, तो 5 जस का तो उतार देंगे, 2 10 = 20, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 = 2, फिर 5, 2 5 = 10, राइट, फिर हम 5 से ले जाएंगे, देखिए 1 1 1, जब तक 1 नहीं आ जाता है एलसीएम में उसको छोड़ते नहीं, फिर यहाँ आ गया 1, फिर देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 2 2 = 4 4 5 = 20, 4 5 = 20, 4 5 = 20 हो गया, देखिए यही 2 2 = 4 5 = 20, तो इसका हमारी एलसीएम कितनी हो गई, 20। जिस भैया को नहीं समझ में आ रही है अब हमें कमेंट करें,
और बोलें कि नहीं हमको समझ में आ रहा, फिर बताया जाएगा। आज जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं चैप्टर वाइज चालू कर दूंगा। अब आगे देखिए, ये है आपका हर, हर में इस एलसीएम में भाग देते हैं, क्या देते हैं भाग, और जो भागफल आती है ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले का मतलब अंश में हम गुणा कर देते हैं। देखिए चार पाँच बीस, चार पाँच बीस, इसमें पाँच का गुणा कर देंगे, पाँच तीन के पंद्रह दान, पंचों के बीस यानी इसमें चार का गुणा कर देंगे, चार दूनी के आठ ऋण, बीस से कम बीस यानी इसमें एक का गुणा कर देंगे, हो गया ही राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम, अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, पंद्रह आठ कितना होता है तेईस, पंद्रह आठ तेईस में से पाँच घटा देंगे बटा में बीस। अब क्या करेंगे, तेईस में से पाँच घटाइए, तेईस में से पाँच घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तेरह में से पाँच जाए आठ होता है, ये हो गया कितना अट्ठारह बटा बीस। अब ये भी देखिए अभी कट रहा है कि नहीं, अंश और हर आपस में कट रहे हैं, तो कटा के उनको और छोटा कर दीजिए, देखिए कि इसमें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, तो उनको और छोटा कीजिए। फिर देखिए छोटा करने का तरीका यही है कि जो अंक से कटाएंगे तो ऊपर वाला भी कट रहा है और नीचे वाले कटाएँ, ये ना करें कि इसको नौ दुना आधार कर दें या इसको दो दहियों के बीच कर दें, नहीं, जो अंक हो एक ही अंक होना चाहिए, जिससे दो दो से कटाएँ, दो नवा अठारह दो दहियों के बीस, कट गया। अब इसको कटाइए, इसको तो कटा नहीं सकते क्योंकि दो के पहाड़ा में नौ आएगा नहीं, दो के पहाड़ा में दस आएगा, इसलिए हमारे आंसर क्या हो गया, देखिए नौ बटा दस किस में आ रहा है, किस में नौ बटा दस आ रहा है, इसका आंसर क्या है बी, फिर स्टार्ट करिए, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का, क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर क्या है बी, नौ बटा दस। हाँ मेरे दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर दस मैं हल कर रहा हूँ, बहुत छोटी से छोटी नियम बताएंगे, बड़ा सवाल का छोटा नियम बताएंगे, आप लोग सिर्फ लगे रहें। देखिए छोटे सवाल इसी तरह से सिर्फ आएगा, जैसे दिया क्वेश्चन नंबर दस डिवाइड, डिवाइड का मतलब समझते हैं, डिवाइड का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनका मतलब होता है भाग दीजिए, भाग देना, डिवाइड का मतलब होता है भाग। तो दिया है देखिए सवाल नंबर दिया है 20, 20 देखिए 20 बटा 31 भागा 15 बटा 62 दिया रहा है ना, देखिए ये भाग दे दिया। अब लड़की ये होंगे कि इसमें किसका भाग दें, लेकिन एकदम आसान तरीका, बस बराबर खींचिए, 20 बटा 31 लिखिए, भागा को गुणे कीजिए और 62 को ऊपर कर दीजिए, 15 को नीचे कर दीजिए, बस तरीका यही है, समझ में आ रही बात, बराबर कीजिए, 20 बटा 31 को जस का तस लिखिए, भाग को गुणे कीजिए और नीचे हर को ऊपर कीजिए और अंश को नीचे कीजिए, राइट। अब इसको हम कटाते हैं, अब कटाएंगे, आप यही कहेंगे 31 का पहाड़ा तो मेरे को याद नहीं, लेकिन 31 के पहाड़ा किसी को याद थोड़े होता है, तो हम याद करेगा ही, गुणा कर करके लिखेगा, तो हम देखिए 31 दूनी के 62 मेरे को तो याद है, 31 दूनी के 62 इस तरह आप लोग भी याद करिए। फिर देखिए अब 2 से 15 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तब हम क्या करेंगे इसको कटाएंगे, देखिए 5 तिहाई के 15, 5 चौके 20, देख रहे हैं। अब तीन के पहाड़ा से न चार कटेगा, न तीन के पहाड़ा से दो कटेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, राइट। अब देंगे 4 दुनी के 8 बटा में 3, अभी भी आंसर नहीं है, अभी भी आंसर नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिश्रित भिन्न यही बोलते हैं, देखिए मिश्रित भिन्न का मैंने नियम बताया था, ये मिश्रित भिन्न है कि 8 देख रहे हैं ना, इसको करते हैं 8 में 3 का भाग, राइट। अब क्या करते हैं, 3 दूनी के 6 आ गया, अब 8 में से 6 जा 2, देख रहे हैं ना, तो ये जो सही वाला है इसको सही में लिखते हैं 2, ये जो शेष बचा है इसको ऊपर लिखते हैं अंश में, और जो भागफल है इसको लिखते हैं हर में,
ये हमारी मिश्रित भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। यही हमारा उत्तर देखिए किस में है, टू होल टू अपान थ्री यानी दो सही दो बटा तीन, देखिए किस में है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए किस में है, सी, नो सी नहीं है, देखिए किस में है, डी, देखिए टू होल टू अपान थ्री, देख रहे हैं ना, टू होल टू अपान